हेलो एवरीवन, मंगू सिंह दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग डिटेल में सीखने वाले हैं। मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं जब आपको ऑप्शन बाइंग करते वक्त करनी होती है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करूंगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से ऑप्शन बाइंग कर सकेंगे। अब तक जितने भी मैंने एपिसोड अपलोड किए हैं उन सब में स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी दो एपिसोड डाल दिए, जिसमें से एक के ऊपर हमने ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर बात की थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट देख रहे हैं तो उस टाइम पे अगर मान लो आपको एंट्री मिल रही है, या तो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या फिर लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो उस पॉइंट से लेके आप क्या करने वाले हो, क्या खरीदोगे, कहाँ पे खरीदने वाले हो, कौन सा लेवल लेना है जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, कैसे एग्जिट मारना है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ हमारे प्रीवियस मार्केट सेशन का। एंड यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूस गिरा है, ठीक है। तो आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे कि जब मार्केट यहाँ कहीं पे था इस लेवल पे, यहाँ पे, तो आप चार्ट को देख रहे थे एंड आपका एनालिसिस ये बोल रहा कि यहाँ से निफ्टी और नीचे गिरेगी। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको निफ्टी का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है एंड आप ऑप्शन बाइंग करने वाले हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर एक तो मिलता है कॉल का ऑप्शन एंड एक दूसरा मिलता है पुट का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है कि जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाय करते हो, एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट को बाय करते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको कॉल एंड पुट मिल जाता है, ऊपर के लिए कॉल है, नीचे के लिए पुट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे? सिंपल है, आप यहाँ पे पुट को बाई करोगे। लेकिन नेक्स्ट सवाल आएगा, पुट में कौन सा लूँ? यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस मिल जाते हैं एंड आपको पता है कि निफ्टी के अंदर हर एक 50 पॉइंट के बाद में स्ट्राइक प्राइस मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे निफ्टी चल रही है 24,000, तो 24,050 का भी आपको पुट मिल जाएगा, 23,950 का भी पुट मिल जाएगा। यानी कि हर एक 50 पॉइंट के बाद आपको एक लेवल मिलता है, उस लेवल को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आपको स्ट्राइक प्राइस का फंडा क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब इनमें से कौन सा ले, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है कि या तो हमेशा एट द मनी वाला, इसको हम बोलते हैं ATM, वो लो, या फिर स्लाइटली इन द मनी, जिसको हम बोलते हैं ITM। या तो आप ATM ले लो या फिर ITM ले लो एंड उसी स्ट्राइक प्राइस को ही आपको बाय करना है, ठीक है। चाहे कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट हो, हमेशा या तो ATM पे रहो या फिर स्लाइट ITM पे रहो। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है एंड आपको यहाँ पे लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो ये लेवल कितने का वो देखो, आपको साइड में मैं एरो बना के दे रहा हूँ एंड ये निकलता है 24,741। इसका मतलब इसका नियरेस्ट प्राइस, आपको जो स्ट्राइक प्राइस मिलेगा वो कौन सा है? 24,750 का आपको नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस मिलेगा एंड इसको हम बोलते हैं ATM, ठीक है। एंड इसका इन द मनी कौन सा हो जाएगा? 24,800 का पुट, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट की बात कर रहा हूँ, तो फिर से आप यहाँ पे समझो, अगर हम पुट की बात करें, जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है पहले उस लेवल को देखो, ये लेवल चल रहा है 24,741 के आसपास है। इसका मतलब इसका नियरेस्ट लेवल जो ATM होने वाला है वो 24,750 एंड इसका स्लाइट इन द मनी होने वाला है 24,800, ये है पुट के लिए। लेकिन अगर हम सेम चीज़ देखते हैं कॉल के लिए, कॉल के लिए ATM तो सेम रहने वाला है 24,750, क्योंकि नियरेस्ट यही है। लेकिन कॉल ऑप्शन के लिए नियरेस्ट इन द मनी हो जाएगा 24,700, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है। फिलहाल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ पुट का ही, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमें दिख रहा है कि नीचे गिरने वाला है, तो मार्केट यहाँ पे था एंड 24,750 का मैं पुट लूंगा, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया। अब कैसे लेंगे? इसी लेवल को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, इसी लेवल को हम बाय करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं डबल स्क्रीन लगा लेता हूँ। हाँ, एक और चीज़ देखना, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मैं धन ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है यूज़ करना। तो अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिंक दिया, उस पर क्लिक करो एंड अकाउंट ओपन करो। तो मैंने यहाँ पे डबल स्क्रीन लगा लिया है एंड राइट साइड में पहले मुझे क्लिक करना है, फिर ऊपर देखो यहाँ पे क्लिक करके आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है? सेम टू सेम वही सर्च करना है जो हमने लेवल निकाला है, यानी कि 24,750। सीधा आपको डायरेक्ट लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है, लिखना है 24,750। ये नंबर लिखते आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है निफ्टी 25 जुलाई 24,750 का कॉल, उसके नीचे दिख रहा है निफ्टी 25 जुलाई 24,750 का पुट। तो आपको थोड़ा मैं पहले यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड है निफ्टी, इसका मतलब ये निफ्टी का कॉल या फिर पुट रहने वाला है। अगर ये बैंक निफ्टी का होता तो यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा होता। उसके बाद जो
डेट लिखी होती है 25 जुलाई या फिर 23 जुलाई, 1 अगस्त, इसका मीनिंग क्या होता है, इस दिन पे ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, इस दिन ये ऑप्शन का वैल्यू जो भी होता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक तो वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हर वीक एक्सपायर होते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मंथली एक्सपायर होते हैं, मंथ के एंडिंग में जो भी एक्सपायरी डे आता है यानी कि थर्सडे के दिन निफ्टी के केस में। तो जो ऊपर सबसे आपको दिख रहा है 25 जुलाई, यानी कि ये एक्सपायरी का ऑप्शन है, मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन है, 25 जुलाई को एक्सपायर होगा। उसके नीचे आपको देखो अभी रिसेंटली और भी दिख रहा है कि निफ्टी 1 अगस्त का है, निफ्टी 29 अगस्त का है, ऐसे आपको आगे के 2-3 महीने वाले भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसके अंदर ट्रेड करना है आपको डिसाइड करना है, लेकिन मोस्टली अगर आप वीकली एक्सपायरी पे जाओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आप मंथली भी जा सकते हो, इसमें कोई कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। तो आपने पहले डिसाइड किया था कि मुझे पुट को बाय करना है क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है, फिर आपने स्ट्राइक प्राइस निकाला जो नियरेस्ट एट द मनी या फिर स्लाइट इन द मनी। तो फिर मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूँ एट द मनी वाला, जो कि आता है 24,750। आपको वो नंबर लिखना है, आपके सामने कॉल एंड पुट दोनों का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मैं पुट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो पुट का चार्ट यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देखो, यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे होते तो आपको यहाँ पे कितने बजे एंट्री मिलती है इस कैंडल पे देखो, ये जो बड़ी सी कैंडल है यहाँ पे आपको मिलती है, यानी ये कैंडल है, टाइमिंग देख लो आप, इस कैंडल का टाइम है 9:45, यानी कि जो ऑप्शन का चार्ट है वहाँ पे ये कैंडल है जो कि 9:45 है, उस टाइम पे ऑप्शन का प्राइस चल रहा होता है 233। देखो साइड में आप देख लो 233 ये प्राइस है, यानी कि आपने निफ्टी का चार्ट देखा कि मुझे यहाँ पे लग रहा है निफ्टी जाएगी, लेकिन आप निफ्टी को तो बाय नहीं कर सकते या फिर सेल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, कॉल या पुट को बाय करने वाले हो। तो मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट को बाय करोगे, पुट का ऑप्शन आपने ओपन किया जिसका प्राइस चलता है 233, आप यहाँ कहीं पर बाय करोगे, एंड जैसे जैसे निफ्टी यहाँ से नीचे आ रही है वैसे वैसे आपका पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आप बिगिनर हो तो, अगर निफ्टी नीचे आती है तो पुट का प्राइस ऊपर जाता है, अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाता है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो हमेशा चाहे कॉल हो या फिर पुट हो उसका प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। तो आपका पुट बाय करने के बाद निफ्टी नीचे आई एंड आपका पुट का प्राइस 233 से देखो धीरे धीरे 250, 260, 300 एंड आई थिंक इसने हाई लगाया है 380 का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय किया एंड यहाँ तक आपको मिलता है। अब आप यहाँ तक होल्ड कर पाते हो या फिर नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका मार्केट ऊपर ही गया, आपका प्राइस बढ़ा ही है, आप प्रॉफिट बना के निकल जाते हो। आपको मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना फिर से। देखो अगर मान लो आप उस टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे आप नहीं देख रहे थे मार्केट को, थोड़ा लेट हो गए थे, तो यहाँ पे देखो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पे आफ्टरनून सेशन में आप आते हो एंड मार्केट को ओपन करते हो, आपको लगता है कि ये जो कैंडल है ग्रीन वाली जो कि है 12:20, आपको नीचे टाइमिंग दिख जाएगा एंड यहाँ कहीं पे एक कैंडल क्लोजिंग होती है, तो इस लेवल पे आपको लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी और नीचे जा सकती है, तो आपको क्या करना होता है, फिर से आपको पहले आपने डिसाइड किया कि निफ्टी नीचे जाएगी। ठीक है, कौन कितने टाइम पे यहाँ पे आए, अब आप देखो यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये लेवल है 24,631 का। ठीक है, साइड में देखो आपको दिख रहा है 24,632, तो अब इसका नियरेस्ट या फिर स्लाइट इन द मनी ऑप्शन निकालना है, वो भी पुट का। तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि 24,650 का ही आपको यहाँ पे नियरेस्ट एट द मनी एंड स्लाइड इन द मनी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। सेम फंडा फिर से आप डबल स्क्रीन लगा लो एंड यहाँ पे जाके सर्च करो 24,650। ठीक है, आपको सिंपली सिर्फ नंबर लिखना है 24,650, आपके सामने कॉल एंड पुट का ऑप्शन आ जाएगा, तो पुट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपका ओपन हो गया एंड यहाँ पे भी सिमिलर है। देखो अगर ये टाइमिंग था 12:20, तो यहाँ पे ये होता है लगभग 226 के आसपास अच्छा प्राइस होता है, एंड फिर देखो धीरे धीरे ऊपर गया है, 250 गया है, 260 गया है, 280 गया है एंड 300 भी इसने क्रॉस किया है। तो आप यहाँ पे बाय करते हो एंड यहाँ पे एग्जिट करते हो या फिर यहाँ कहीं पे, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी, आप इसमें भी पैसा बना रहे होते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको पुट का, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कॉल का। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आपको ट्रेड मिल सकते हैं, दोनों साइड आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रीवियस डे पे जाता हूँ जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब ये देखो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा ये कैसे डिसाइड होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इसी स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स के सीरीज़ में, जहाँ पे मैंने आपको चार्ट पैटर्न वगैरह सिखाए हैं, तो वो आपको बता देंगे मार्केट कहाँ जाने वाला है। अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या करना होता है जब ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं। तो प्रीवियस डे पे देखो, अगर मान लो आपको लगता है कि इस कैंडल पे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जो कि है 13:05 की कैंडल, इस टाइम पे आप देखते हो कि निफ्टी का प्राइस चल रहा होता है 24,000
यहाँ पे देखो 24,644। तो इसका नियरेस्ट जो ATM मिलेगा एट द मनी वाला, उसको हम बोलते हैं 24,650 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 पॉइंट ही दूर है। तो ये हो गया नियरेस्ट एट द मनी। लेकिन अगर हम नियरेस्ट इन द मनी में जाएंगे तो वो कौन सा हो गया, वो होता है 24,600 का। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ATM ले लो या फिर स्लाइड इन द मनी ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ 24,650 का, जो कि है ATM का, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर केस है, फिर से डबल स्क्रीन लगा लो एंड 24,650 यहाँ पे सर्च कर लो, 24,650 आपके पास ऑप्शन आ गए पुट एंड कॉल का। इस टाइम पे आपको कॉल लेना है, तो कॉल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट ओपन हुआ एंड आई थिंक मैंने दोनों एक साइड में लगा लिया। तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, फिर से कॉल को बाय करना है एंड मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब कैसे, ये प्रीवियस डे का था, तो देखो यहाँ कहीं पे आपकी बाइंग होती है, यहाँ कहीं पे बाइंग होती है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड आप यहाँ पे भी पैसा बनाते हो। तो ये तो मैंने आपको चार्ट के ऊपर दिखाया, अब कैसे बाय करना है। पहले आपको अभी फिर से मैं रिकैप करता हूँ क्या क्या मैंने किया है। पहले आपने चार्ट पैटर्न को देख के ये डिसाइड किया कि निफ्टी ऊपर जाएगी या फिर नीचे। तो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगी, तो आप उसका स्ट्राइक प्राइस चेक करते हो कि कौन सा है, जो एट द मनी या फिर स्लाइड इन द मनी है उसको आप सर्च करोगे। सिंपल वो नंबर लिखना है आपके सामने, कॉल एंड पुट दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने राइट साइड के अंदर पुट लगाया, ठीक है। तो इस पुट को मुझे बाय करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो रेड कलर में, एक ब्लू कलर में। रेड मतलब सेलिंग के लिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाइंग के लिए यहाँ पे ब्लू कलर दिखाया गया है। तो पहले इन दोनों के बीच में देखो आपको नंबर भी दिख रहा है 25। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी लेना है। निफ्टी में एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटीज होता है। तो बिगनर को हमेशा मिनिमम एक लॉट से स्टार्ट करना है, यानी कि 25 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाना। एंड क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप सिंपली प्लस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे 75 हो गया, 100 हो गया, 125, 150, ऐसे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जितना क्वांटिटी थे उतना आप कर लो, उसके बाद बाइंग करने के लिए ब्लू बटन पे क्लिक करना है एंड आपका यहाँ पे बाइंग हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ऑर्डर रिजेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। अगर ये मार्केट ओपन होता तो यहाँ पे सिंपली बाइंग हो जाता आपका। एंड जैसे आपका प्रॉफिट या फिर लॉस जितना भी होता है ना, आपको एग्जिट मारना है, तो सिंपली आप यहाँ पे फिर से रेड वाले बटन पे क्लिक करते आपका एग्जिट हो जाएगा। या फिर अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको PNL दिखता है, लाइव रनिंग PNL दिखता है, उस पर क्लिक करके भी आप एग्जिट मार देते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर किया जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया था। तो बस ऑप्शन बाइंग के लिए इतना ही करना होता है, यहाँ पे सिंपल चीज़ें होती है। मेन चीज़ होता है कि आपको एंट्री एंड एग्जिट पहचानना आना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चार्ट पैटर्न वाले वीडियोस में कवर किया है। आज मैंने आपको ये बताया कि कब एंड क्या देखना होता है। अगर निफ्टी सर्टन लेवल पर चलती है तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा देखना होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको और भी कुछ डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो कमेंट जरूर कर देना एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको ऑप्शन बाइंग सीखनी है, मार्केट में न्यू है। क्योंकि ये पूरी सीरीज़ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ ताकि बिगिनर्स अच्छे से सीख पाए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, नॉलेज इज़ पावर। तो आप जितना भी सीखोगे उतना ही आप वाइज होते जाओगे।